सुबह सुबह की शुरुआत करेंगे प्यारी सी चाय के साथ। मैंने 3 कप चाय बना ली थी क्योंकि साहिल भी उठ रहा था, राम दोनों उठ रहे थे, बाकी सब के सब सुते पड़े थे। इतने में कार वॉश करने आ गया, उस भाई ने हमारी गाड़ी देखी, बोला मैडम तारी गाड़ी में साफ कौन कर सकता, आराम देख सको तो हम कितने लाग रहे हैं। हम ना धोगी तैयार हो लिया, हमने जाना था आज मॉल में, निकल लिया उड़े तरह, रास्ते में देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। चंडीगढ़ में घूमने का भी अपना स्वाद है, बस ये लाल बत्ती ना हो तो। हमने फिर देखा हमारी गाड़ी ने भी लाल बत्ती दिखा दी, हमने पेट्रोल पंप का नहीं मोड़ ली, उड़े जान दी। हमने देखा एडवांस पे का इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा था, हम दूर तक खड़े होगी पे कर सको इन, हमने उड़े तक खड़े खड़े 2000 रुपये पे कर दे। इस पर फिर एक नंबर आ जाए, उसमें एक कोड आवे, कोड उसने स्कैन करना हो, भाई नाट स्कैन कर। डीजल रेट में अपने 5-7 रुपये का फर्क आ रहा, 84 रुपये का डीजल था अपने शायद 90 रुपये के आसपास। इतने में भाई आए, बोले मैडम जो तारे गाड़ी पे स्क्रैच लागे मैं सारे तार दूंगा। मोहित भी राज्य हो गया, बोला चल फ्री डेमो है ले आएंगे, भाई नाट फ्री डेमो दिया, कसूती डालते रगड़ी मारी गाड़ी पहली इतनी शट रही। बोले मैडम आपकी गाड़ी नहीं इसी चमका देगी, या चीज तो जीप बंद चाट रखी है। मैं भाई रहने दे तू, हमने कौन लेनी है। मोहित इनकी बात में आ गया, हमारा 700 रुपये टाट में टिके। मोहित ने फट दे गूगल पे कर लेके चल, सारे रास्ते मोहित ने स्पंज से डैशबोर्ड रगड़े, बोले देखा अपने सही लिया 700 रुपये इसने एक्सप्लेन करने थे, कहा अपने ठीक लगाए। मैं ठीक है कोई बात नहीं, इतना न्यू करते करते हम पहुंच गए लांटे में, हमने पार्किंग में गए, पार्किंग में जगह कौन पा रही थी, इतना बुंडा कटकट माच रहा था, संडे था ना आज, हम पार्किंग में गाड़ी लगा के फोटो उतार के पहुंच गए अपने लिफ्ट के दौरे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसकी फोटो उतारना बड़ा जरूरी, लोकेशन का तरह एक बार मारा, बड़ी भुंडी बनी थी हमारी गाड़ी, खूगी थी 2 घंटे हम पाई हमने एम्बियंस मॉल में, सीधे हम ऊपर पहुंचे जाते हैं। हमने देखा शाम में कैंडी दरी, हम तो इसने टॉफी का करा, इन मॉल वाले ने इसका नाम कैंडी दर दिया, महंगी बेचन खतर है। एक फोटो खिंचाने की जगह थी, मैंने फोटो खिंचा ली, फिर हम खान पीन का ढूंढने लगे, फास्ट फूड खाने का सुबह सुबह जमा जी कौन था, क्योंकि पहले दिन भी गणाए फास्ट फूड खा रहा है, तो हमने सागर रत्न दिखाया, चलो इसमें साउथ इंडियन पा जाएगा, साथ में इंडियन भी पा जाएगा। उड़ जाती है कूड़ा पकड़ लिया हमने, 2 वाली सीट जो थी, क्योंकि कूड़ में जगह पाई, इतनी भीड़ हो रही थी आड़ा भी। जब हमने एक फॉलोअर मिल गए, बोले मैडम हमने आपके व्लॉग देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपके व्लॉग देख। हमारा खाना आज हमने मंगवाई थी एक वेज थाली और साथ में था डोसा, वेज थाली में बहुत गुणा सोता था, कि दाल मखनी थी, कि पनीर था, कि पापड़ सलाद रायता सब कुछ था, इसमें मजा आ गया, देख के पेट भर गया था मेरा तो, इतना सोता देखे पाचन न्यू हो जाए, के खावे के छोड़ना, मैंने अपना डोसा फोकस करा क्योंकि थाली तो मोहित ने मंगाई थी। बाकी रेस्टोरेंट वाले पर कटोरी लेनी पड़ेगी छोटी छोटी, कोई आओ तो खुआ दे, अगला भी नहीं सोचा, 3 कटोरी मांग लिया, शर्म आने लग जा भाई, इतना बड़ा मॉल की भी लाइट चली जाए, मैंने तो पहली बार देखा। हमने पेमेंट करी खा पी की और चाल पड़े इस तरह, हमने लेने थे जूते, मोहित का बहुत दिन की हो रही थी कि मैंने फॉर्मल शूज लेने, मेरी पैंट खराब हुए फॉर्मल शूज की वजह से, पहन को नहीं मेरे पे सारे स्पोर्ट्स शूज, मैं चल आज तो फॉर्मल शूज लेके आऊंगी यार, ये ट्राई करने लगे लेकिन एक भी जूता सही को नहीं आया, फिर मैं सोची मैं स्पोर्ट्स शूज ट्राई कर लूँ, एक आधा और ले लूँ। मोहित का एक जोड़ी जूते पसंद आ जाए लेकिन उन पर ऑफर डाल रहा था 1 get 1 फ्री का, लेकिन हमने दूसरे जूते पसंद को नहीं आया, हमने यार छोड़ दिया। मैंने एक आधी बैली ट्राई करी लेकिन उनमें हील थी, मोहित बोला रहने दे पांच उड़ाओगी, पहली इतनी लंबी किस जाएगी, इतनी जिराफ वर्गी लग गई, तो मैं जींस देख लिया। हमने एक जींस भी लेनी थी, सीधे हम जारा में गए, उड़े भी कोई पसंद को नहीं, उसके बाद हम सीधे ओनली में गए, उड़े जाते मैंने जींस ट्राई करी, मोहित आड़ा बोर होने लग रहा है, मैंने जींस फाइनल कर दी, फाइनली मोहित ने चैन की सांस लिया, हमने बिलिंग करी यार अपनी जींस पैक करा के हम चाल पड़े आ गए। हम लाइफ स्टाइल स्टोर में पहुंचे उड़ा, हमने एक और फॉलोअर मिले जो कि कैथल साइड के थे लेकिन वे चंडीगढ़ में थे, जो भी इनकी चंडीगढ़ है, बड़ी खुशी हो गई, दूसरे शहर में कोई अपना जान पहचान का मिल जाए, तो आड़ा मोहित देखने लग रहे हैं काले जूते मगर रहने दे, तार गोला मर गए लग गए। फिर फाइनली हमने एक जूते पसंद आ जाए, वह पैक करके ले चल नीचे उतरा पार्किंग की साइड, तो उड़े नहीं या दीवार बना रखी है जो मोहित ने बहुत सुतरी लगा, नहीं अपना नया क्लिनिक बनाओगे जब एक दीवार सी बनाओगे यार, इन पौधे सेल में लगा रखे हैं, सेल में भी इतने महंगे बेचे हैं, बाहर इन तो बहुत सस्ते मिल जाए, हमारे तो निकल लिया। मैंने साहिल द्वारा फोन करके पूछी मैं कुछ खान का लेना है कि न्यू, बोले हाँ समोसे लिया है, मैं न्यू कर दुकान का नाम बता दे, हम ना दुकान है कौन मेरा, उसने ये लाल की दुकान बताई शायद सेक्टर 37 में थी, मेरा को नहीं पक्का, तो मैंने उड़े पहुंचे हम जानते हैं भाई तड़ने लग रहा था समोसे, मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, आड़े भी पूरी भीड़ थी, मोहित ने समोसे पैक कराए, घर का नहीं चल पड़े, घर ने जानते मैंने चाय बनाई सारे की यार चाय गल समोसे इंजॉय करे, हमने बैठ हमने साहिल की सारी शॉपिंग दिखाई, साहिल बोले मैंने जूते गणे पसंद को नहीं आए, तम बताइयो कमेंट करके तमने ठीक लगे कि तमने भी कौन पसंद आए, न्यू रुपये गिर आए हमारा आड़े, तमने जाना था फिर घर ने उल्टा चो, हम चाल पड़े निकल लिया, आड़े पूछी बड़ा उदास हो रहा था क्योंकि हम इसने घर ने छोड़ गए थे, तो खान पीन खातर हम पहले गए सेक्टर 34 में, जैसे ही हमारे पहुंचे हम देखा कि आड़े शामी मेला लाग रहा है और पार्किंग की कोई जगह को नहीं, हमने एक जगह देखी पार्क करी गाड़ी और पाव भाजी ले ली, सबसे पहली पाव भाजी खान दी हमने, गोलगप्पे वाला दिखा जिसका साथ डाल के गोलगप्पे थे घने पानी के, न्यू अधारों में बनाऊ बेगा बेरा कौन भाई, न्यू तो चाहे क्या में बनाता हमने तो खान थे, मतलब फिर ये काला खट्टा दिख गया हमने, ये गोला जो बचपन में खाया करते आप गंडासा सा चलाने लग रहा था, मखा भाई मैंने तो गंडासा था आती सानी कट दी देखी लेकिन ये भाई तो बर्फ काटा था बड़ा सुतरा लगा था, ये छोटा सा गंडासा दरिया, मखा मेरी माँ खातर ले जाऊंगी सब्जी काट लिया करेगी, इसमें इस भाई नाड़ा गोला बना दिया बर्फ का, हमने ये लेके हम चाल पड़े सीधे, मैंने एक कोल्ड कॉफी भी ले ली साथ में, मगर रास्ते में पी लूंगी 9:15 के आसपास हम चंडीगढ़ तलीगढ़ा, हम कहा तो आप 12 बजे पहुंचाएंगे, आप ने तो खाटू श्याम जी के प्रोग्राम में भी जाना था, मोहित बोला कोई ना पहुंच जाऊंगे यार, पूछी नहीं पहुंचा जब का सुते पड़ा था, ये खिड़की में बाहर जाकर लग जाए, मगर तू पढ़ ना जाइए नीचे, कैथल पहुंचा हम 11:30 के आसपास और कोर्ट का आगे पार्किंग शुरू हो रही है, हम करनाल रोड पर पहुंचा, उड़े पुलिस ये नाकर लगा रहे थे, बोले इस रोड पर कौन जाना था, हम उल्टे मुड़ा ऋषि नगर वाली साइड से जावा जाट ग्राउंड आगे पहुंचा, तो उड़े भी घना मुंडा कटकट माच रहा है, इतनी भीड़ मैंने पहली कदे कौन देखी कैथल में, इतनी रौनक वो भी रात ने 12 बजे, लोग ऑटो में बरबर आ रहे थे, ऑटो के ऊपर भी 5-5 जने बैठे थे, टाटा आ रही थी बेरा ने, दूर दूर के नंबर खड़े थे गाड़ियां के, न्यू लगा था गुड़गांव तक के लोग आ रहे हैं, राडा जमा रौनक हो रही थी पूरी भगवान जी के दरबार में, इतने लोग आ रहे थे, इतनी भीड़ हो रही थी, भीतर बड़न की जगह कौन थी, मोहित ने एक जगह गाड़ी रोकी, बोले तू
जाके देखा भीतर में बड़न लागी उड़ो इतनी धक्का मुक्की हो रही थी मैं तो उल्टी आ गई उड़े तो बड़े आए कौन सीधे घर ने पोचे करना आंधी पूछी अपने टोकरे में न्यू बैठ गया जनू को सुत्ता मिस कर रहा था। तो चलो आज का व्लॉग बता दियो किसा लागे और जुड़े रहे अगर कमेंट करके जरूर बताया करो। जय राम जी की।